अभी हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं क्योंकि पीछे पार्किंग है, जहाँ से आगे आपको बाइक या फोर व्हीलर अलाउ नहीं है कुछ खास लोगों को छोड़कर। तो हमने पीछे अपनी बाइक छोड़ दी, पुलिस वाले बड़े अच्छे लोग थे तो उनके पास में ही खड़ी कर दी। और अभी हम यहाँ से पैदल जाएंगे क्योंकि मेले में आए हैं तो इन्जॉय करना बनता है ना। और ये तो VIP दर्शनों वाला मेला भी नहीं है, यहाँ पे तो सब आपके हमारे जैसे लोग आते हैं, तो इनके साथ चलेंगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। लोहारगढ़ एक बहुत ही पवित्र तीर्थ तो है ही, साथ में यहाँ का अचार जो है वो वर्ल्ड फेमस है। कैरी यहाँ पर होती है और उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा अचार बिकता है, बनता है, तैयार होता है। और दूर दूर से जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं वो अचार लिए बिना यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाते। और यहाँ की कैरी का अचार जो है वो खास तौर से फेमस है। यहाँ की कैरी का अचार बहुत टेस्टी होता है, उसकी कैरी में झिल्ली होती है, जालेदार कैरी का रेसा होता है, रेसी में उसमें झिल्ली झिल्ली होती है, बहुत शानदार अचार होता है, टेस्टी शुद्ध मसालों से निर्मित होता है। यहाँ पे साबुत मसाले लग के तैयार करके फिर उनको बनाया जाता है। सारे जो हमारे अधिकारी कर्मचारी वे ड्यूटी पे हैं और शांति से मेला जो चल रहा है, श्रद्धालु आ रहे हैं जा रहे हैं और भीड़ भी है वो भी नियंत्रण में ही है। और अभी तक कोई भी ऐसा अनहोनी कोई घटना मेरे सामने नहीं आई, अभी तक शांति से चल रहा है। बाकी व्यवस्थाएँ जो दुकानें सारी व्यवस्थित लग रखी है, कहीं कोई श्रद्धालुओं को पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको कोई भी अननेसेसरी कोई व्यवधान उनको पैदा ना हो। तो ये पीछे भीमकुंड है और अभी हम हैं मंदिर के मुख्य स्थान पर। यहाँ से कुछ दिन पहले जब हम आए थे तो झरना बह रहा था, पर आज नहीं है क्योंकि बारिश नहीं हुई। और यहाँ से आपको दिखेगा पूरा दृश्य सूर्य कुंड का, जहाँ पर हर साल इस मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं, पवित्र इसको काफ़ी माना जाता है। और पांडवों के यहाँ पर आने की बात कही जाती है, कहा जाता है कि उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं, बेड़ियाँ हैं उनकी, वो यहाँ पर गल गई थी और इसीलिए इस जगह को लोहारगल कहते हैं। और इसके अलावा भी इसका इतिहास जो है, इससे जुड़ी बातें जो है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है। लोहारगल सूर्य क्षेत्र 24 को उसकी परिक्रमा का आज 14 का दिन, कल अमावस्या, आज पितृकारिणी अमावस्या स्टार्ट हो गई है। श्रद्धालुओं ने बहुत दर्शन किए भगवान के, पितृशों का तर्पण किया आज, और भादवे की इस अमावस्या की पूर्णावती पे लोगों में एक उत्साह था। उत्साह में लोगों ने हमारा कहना माना और बहुत ही जल्दी जल्दी परिक्रमा करके अपने घरों को प्रस्थान कर गए। इस बार मेले में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रही, बहुत बढ़िया सुंदर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं रही, सभी विभागों की ओर से अच्छी व्यवस्था रही। मेडिकल विभाग ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, सरकार की व्यवस्थाओं में गौशाला में जो गायों को डाला गया था उनको डॉक्टर्स ने, 5 डॉक्टर्स की टीम लगाई गई थी, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ की। प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने पूर्ण चाक चौबंद होके और मेले को बहुत अच्छे से निभाया। कल अमावस्या पे जो श्रद्धालु डायरेक्ट दर्शन करने आते हैं, स्नान करने आते हैं सूर्य भगवान के, सूर्यकुंड में स्नान करके अमावस्या की पूर्णावती करेंगे। किसी यहाँ से आने से और वहाँ पर जाने, इधर से आते हैं उधर से लोग जाते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार के अस्त वस्तु न हो। और यहाँ पर एक तरफ महिलाओं का नहाने के लिए कर रखा है, एक तरफ पुरुषों का नहाने के लिए कर रखा है। ये यहाँ नीचे भीमकुंड है और ये गुप्तेश्वर महादेव है, और इस तरफ यहाँ कोने में से जाके आती है भीम गुफा। अभी काफ़ी अंधेरा है, पहाड़ के बीच में है
और बरसों से ही ऐसे ही है, कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अभी हम पहुंचे हैं रूपाणा धाम भंडारा में और यहाँ पर पिछले 10-12 साल से लगातार श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए यहाँ पर लोग लगे रहते हैं और इस वक्त भी रात के 9:30 बज रहे हैं, गर्मा गर्म जलेबी निकल रही है, कोफ्ते बन रहे हैं ताकि बाहर से जो श्रद्धालु आए हैं, दूर दराज से आए, उनकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहे, किसी को भी भोजन के लिए परेशान नहीं होना पड़े, आराम से यहाँ पर दवाइयों की, भोजन की, पानी की सारी व्यवस्था यहाँ के लोगों ने कर रखी है। ये हमने तोता पसंद करा है, ये मेरी बेटी टिनटिन के लिए, और अभी हम ये खरीद रहे हैं। 100 रुपये ज़्यादा तो नहीं है ना? ठीक है।